हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का जो ओपनिंग हो रहा है ना, ऐसे इससे पहले ओपनिंग हो चुका था, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा ओपीडी और आउटडोर सिस्टम जो है इसको खोला जा रहा है, तो इसी का आज ओपनिंग है और पूरा पूरा आगे तैयारी चल रही है, तो पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए पूरा पूरा इसको एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या सुविधाएं आम लोगों को मिलने वाला है। ये देख सकते हैं एकेडमिक ब्लॉक, यहीं पे जो भी छात्र हैं यहीं पे पढ़ाई होता है। ये पूरा पूरा बिल्डिंग देख सकते हैं आप लोग एकेडमिक ब्लॉक का, और यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं की गई है। सीमांचल के क्षेत्र को लोगों को लाभ मिलने वाला है। आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को यहीं पे। अभी फिलहाल ये इस अस्पताल के आउटडोर और इंडोर जो सुविधा है उसका ओपनिंग किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं पूरा पूरा काफ़ी भीड़ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ मैं दिखाऊंगा आप लोग को ये आउटडोर इंडोर इसी के लिए पूरा पूरा बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी खूबसूरत आप लोग को पेशेंट जो भी आएंगे पेशेंट के साथ, चाहे पेशेंट हो, यहाँ बैठने के लिए भी व्यवस्थाएँ की गई है। पूरा पूरा एरिया देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, जब पूरा का पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है। ये सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, आप पूरा पूरा सेक्शन देख सकते हैं, शौचालय पूरा। अभी ये जो देखने में ना बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जब पूरा का पूरा यहाँ पे तैयार हो जाएगा हर एक चीज़ तो और भी खूबसूरत देखने के लिए मिलने वाला है। ये सब देख सकते हैं, ये सब वार्ड के लिए बनाया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएँ की गई है। ये सब देख सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट होगा, वहीं से डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई होगा यहाँ पर, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ये देख सकते हैं अलग अलग रूम बनाया गया है डॉक्टरों के लिए। ये डॉक्टरों के लिए रूम देख सकते हैं, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ देख सकते हैं पीए रूम। ये पूरा पूरा सेक्शन जो है ना, इधर पेशेंट के लिए पूरा व्यवस्थाएं की गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने वाला है, सीमांचल के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। जांच कक्ष ये देख सकते हैं, तो सीमांचल के क्षेत्र के जो भी लोग हैं काफ़ी लाभ मिलने वाला है। लोगों को बड़ी बीमारियों के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, अब पूर्णिया में ही लाभ मिल जाएगा लोगों को। ये सेक्शन देख सकते हैं, तो लोगों को सीमांचल के क्षेत्र के साथ साथ नेपाल के लोग और बंगाल के लोगों को भी लाभ मिलने वाला है। तो पूरा सेक्शन जो है ना काफ़ी खूबसूरत बनाया गया, ये देख सकते हैं। जब यहाँ आइएगा पूरा ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखने के लिए कुछ अलग ही नज़ारा मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, लगभग 23 एकड़ में फैला हुआ 400 करोड़ की लागत से यह पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराया गया है। ये पूरा सेक्शन आप लोग को दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक बड़ा सा कैंपस, जो भी पेशेंट आएंगे उसके बैठने के लिए व्यवस्था है। पूरा बिल्डिंग देख सकते हैं, बिल्डिंग का नज़ारा आप लोग को कुछ अलग ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो कुछ दिनों के बाद, आज तो 25 फरवरी को ओपनिंग है, इसके बाद यह पूरा का पूरा सेक्शन जो है पेशेंट के लिए भी खोल दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बैठने के लिए व्यवस्था है जो की गई है, कुछ अलग नज़रा। जैसे कि मैंने बताया 23 एकड़ में फैला हुआ 400 करोड़ की लागत से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है। इसमें लगभग 519 बेड का छात्रावास, 500 बेड का मरीजों के लिए, और इस बिल्डिंग के ऊपर जैसे कि मैं बताऊँ आउटडोर भी सुविधा। ये पूरा पूरा सेक्शन मैंने आप लोगों को घुमाया, ये आउटडोर है और ऊपर इनडोर है, सॉरी। तो पूरा सेक्शन आप लोग को देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा होगा। आइएगा पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, तो अलग नज़ारा आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। तो लोगों को काफ़ी लाभ होगा, जैसे कि मैंने बताया 400 करोड़ की लागत से 23 एकड़ में फैला हुआ यह पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, 519 बेड का छात्रावास, 500 बेड का मरीजों के लिए, और लगभग 200 बेड का धर्मशाला, और लगभग यहाँ पर जो भी स्टाफ हैं उनके रहने की व्यवस्थाएँ भी, यहाँ पर क्वार्टर का भी आवास का निर्माण कराया गया है।
यहाँ पे हर एक जांच की भी सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो यूएसजी हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, सॉरी यूएसजी। और साथ में आप लोग को यहाँ पे अलग अलग सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सीमांचल के क्षेत्र के साथ साथ बंगाल नेपाल को भी लाभ मिलने वाला है। इसी बिल्डिंग का निर्माण अभी हाल फिलहाल ही कराया गया है। इससे पहले यह मेडिकल कॉलेज का पूरा एकेडमिक ब्लॉक हो या छात्रावासों का निर्माण कराया गया था। और ये एकेडमिक ब्लॉक के जस्ट बगल में आप लोग को आपातकालीन इमरजेंसी के लिए ये पूरा ब्लॉक मिल जाएगा। ये देख सकते हैं पूरा सेक्शन। तो अगर आप लोग को कोई भी इधर सीमांचल के क्षेत्र हो या नेपाल बंगाल के लोग हो, अब कोई भी दिक्कत होता है तो आ सकते पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे आप लोग को इलाज की सुविधा मिल जाएगा। इसी बिल्डिंग का निर्माण कराया गया है और 25 फरवरी को इस बिल्डिंग का शुरुआत भी कर दिया गया है। इसमें आउटडोर और इंडोर दोनों की सुविधा है और यहाँ पे आप लोग को हर एक जांच की भी सुविधा मिल जाएगी, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मरीज के साथ जो आते हैं उनके लिए भी 200 बेड का धर्मशाला का निर्माण कराया गया है। तो इस मेडिकल कॉलेज में आप लोग को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सब चीज़ सही रहेगा तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा। ये पूरा देख सकते हैं किस तरह से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। 25 फरवरी का इसका ओपनिंग होता है तो 26 फरवरी से इसका शुरुआत कर लिया जाएगा, तो लोगों को लाभ मिलने लगे। यहाँ पे जैसे कि मैं बताऊँ, 100 MBBS नए छात्र यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो पारा मेडिकल हो या नर्सिंग का हो तो पूरे 400 छात्र यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और सबके लिए छात्रावास का निर्माण कराया गया है। BSc नर्सिंग एंड पारा मेडिकल का जो स्टूडेंट है उसके लिए हॉस्टल है और पूरा का पूरा बिल्डिंग आप लोग को दिख रहा होगा। ये BSc नर्सिंग एंड पारा मेडिकल का ब्लॉक है और इसी ब्लॉक के जस्ट बगल में ये हॉस्टल है और यहाँ पूरा का पूरा इस तरह से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं, ये जस्ट एकेडमिक ब्लॉक है। इसी के जस्ट बगल में आप लोग को पैथोलॉजी मिल जाएगा। ये पैथोलॉजी पूरा पैथोलॉजी का ब्लॉक है, ये देख सकते हैं। तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने वाला है यहाँ पे। CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डायलिसिस और जो भी ब्लड टेस्ट है सारा चीज़ यहाँ सुविधा मिलने वाला है। और ये एकेडमिक ब्लॉक आप लोग को ये सेक्शन दिख रहा होगा। ये जो है गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल, और उधर दिखाऊँ ये गर्ल्स बॉयज हॉस्टल दिख रहा होगा आप लोग को, पूरा डायरेक्शन दिया गया है। और यहाँ पे NM स्कूल और RT-PCR, कुछ साल पहले कोरोना आया था उसके लिए भी लैब की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ के जो स्टाफ हो उनके लिए ये पूरा एरिया बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा एरिया आवास का एरिया होगा, जो स्टाफ होंगे इस मेडिकल कॉलेज का उसके लिए ये पूरा बनाया जा रहा है। ये आवास आप लोग देख सकते हैं, बस आप लोग को यहाँ पर देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और मैं बात करूँ तो ये 400 करोड़ से बन के पूरा अस्पताल तैयार हुआ है। लगभग 23 एकड़ में पूरा मेडिकल कॉलेज फैला हुआ है। तो सीमांचल के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। जैसे कि अगर लोग यहां से अगर इलाज कराना चाहते हैं तो यहां पे हर एक सुविधा मिलने वाला है। इससे पहले लोगों को कुछ ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद पटना रेफ़र कर दिया जाता था, लेकिन यहीं पर अब इलाज मिलने वाला है। पूरा हॉस्टल का एरिया आप लोग को कुछ अलग दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो मैं बताऊं, अभी फ़िलहाल इसका ओपनिंग पूरा का पूरा हो चुका है। इससे पहले पढ़ाई शुरू हुआ था लेकिन मरीजों के लिए जो OPD खुला था वो बन के तैयार नहीं हुआ था, वो भी बन के तैयार हो गया। यहाँ पे प्रोफेसर होंगे उनके लिए भी यहाँ पे आवास का निर्माण कराया गया है और पूरा ये एरिया